श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं वो उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, महीने की जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष पे या फिर अष्टमी तिथि जो होती है इस तरह की मुख्य तिथियों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ सावन शुरू हो रहा है, तो सावन में जिस भी दिन आप चाहें, क्योंकि पूरा सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, तो आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। तब सावन में सबसे पहले बात कर लेते हैं आंकड़े का फूल, यानी इसको मदार का फूल भी कहते हैं, इस उपाय के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आंकड़े का फूल जब भी आप स्पर्श करते हैं, छूते हैं उसके किसी भी पार्ट को, तो उसको अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धो लेना है, क्योंकि आंकड़े के पौधे में जहर होता माना जाता है। दो तरह के आंकड़े के फूल होते हैं, एक इस तरह से जैसे पिंक कलर का आप देख रहे हैं, हल्का नीला पिंक कलरफुल रहता है, ये पाया जाता है, और दूसरा एक होता है सफ़ेद रंग का। ये दो तरह के आंकड़े के फूल पाए जाते हैं, तो इस वीडियो में दोनों के अलग अलग उपाय आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय करेंगे वो करेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जो पिंक वाला होता है, ब्लू वाला पिंक जैसा फूल दिख रहा है, ये वाला आपको मदार चाहिए होगा, आंकड़े आग का पौधा, ये वाला फूल चाहिए होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको ये फूल लेना है, साथ ही साथ तांबे के लोटे में एक लोटा जल ले लीजिएगा, बस ये दो सामग्री, और लेकर के आपको भोलेनाथ बाबा के मंदिर चले जाना है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपने मदार का फूल ले रखा है, उसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमः शिवम कहते हुए चढ़ाना है। उसके बाद उसी फूल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमः शिवम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। माता अशोक सुंदरी के पास पहले चढ़ाना है, फिर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो एक लोटा जल आपने लिया हुआ है, वो एक लोटा जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है, और आपकी जो इच्छा मनोकामना है अंत में वो मनोकामना कह देनी है। कोई भी जल आपको इकट्ठा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा आपको उपाय करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। आंकड़े का फूल भोले बाबा का बहुत प्रिय होता है, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अब आंकड़े के फूल से दूसरा उपाय करेंगे। अगर आप बीमारी के लिए उपाय करना चाह रहे हैं, तो आपको आंकड़े का जो सफ़ेद वाला फूल आता है वो फूल आपको लेना है, बीमारियों से के लिए अगर करना चाह रहे हैं, तो सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, आंकड़े का सफ़ेद मदार का फूल भी कहते हैं, और साथ ही साथ एक लोटा जल लेना है, बस इसका नियम थोड़ा सा अलग रहेगा, और लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुँचकर आपको जो आपने एक फूल ले रखा है, अब आपको सीधे वो फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, सीधे आपको शिवलिंग के ऊपर कुंद केश्वर महादेव का नाम लेते हुए वहाँ पर चढ़ा देना है। और उसके बाद जो एक लोटा जल लिया है, वो जल भी आपको उसी शिवलिंग के ऊपर ही और कहीं नहीं चढ़ाना है। जो भी बीमार व्यक्ति है जिसके लिए उपाय करें, उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जल चढ़ा देना है, और उसकी बीमारी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। बस इतना आसान सा उपाय है, बस क्रम थोड़ा सा अलग है, अलग अलग उस समस्याओं से संबंधित के लिए आंकड़े के फूल का ही। कोई भी पानी इकट्ठा मत करिएगा, ना तो पिलाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपको बता दिया है आंकड़े का फूल थोड़ा सा सावधानी से आपको करना होता है, क्योंकि इसमें जहर पाया जाता है। तो उपाय करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय जो है, ये मनोकामना पूर्ति के लिए, बहुत दिनों से कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है या फिर कोई दुख है, परेशानी है, कोई कष्ट है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं मनोकामना पूर्ति, साथ ही साथ दुखों और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए। आपको लेना क्या होगा, पांच बेलपत्र लेना है, जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, सुंदर सी, क्योंकि बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं, हमें बस यही ध्यान देना होता है कि उसकी पत्तियाँ कटी हुई ना हों, इतना ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ अगली चीज़ आपको जो लेना है, वो एक लोटा आपको जल लेना है, उसी जल में आपको गंगा जल भी थोड़ा सा मिला लेना है। अगर गंगा जल नहीं मिल पाता है, तो जो कोई और नदी का अगर जल है, तो आप वो भी मिला सकते हैं, पर कोशिश करें कि गंगा जल का ही उपाय है, गंगा जल ही उसमें थोड़ा सा आपको डालना चाहिए। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपने लोटे में ही आपने जो बेलपत्र लिए थे वो डाल ले के रखने हैं आपको, उसके बाद उसी बेलपत्र को लोटे से ही एक एक करके आपको निकालना है वो बेलपत्र, और शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है।
ज़्यादा नहीं, एक ही, अलग अलग जगह नहीं चढ़ाना है, एक ही जगह पर आपको चढ़ाना है। एक बेलपत्र, फिर दो बेलपत्र, तीन बेलपत्र, इस तरह से शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दीजिएगा। फिर जो एक लोटा जल आपने ले रखा है, वो एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाइए उसी के ऊपर चढ़ा देना है, और कुछ भी नहीं। फिर वहाँ से जब बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे आता है, तो थोड़ा सा जल आपको एकत्रित कर लेना है और वहाँ पर बैठ के थोड़ा देर बैठना है, 2 मिनट 5 मिनट अपनी मनोकामना कहनी है शिवलिंग को देखते हुए। जो भी परेशानी है, कष्ट है, वो दुख वहाँ पर व्यक्त करना है। आसान सा काम है, आपको करना है। फिर वो जल जो इकट्ठा किया आपने, वो लेकर के आपको अपने घर चले जाना है, और घर में एक बाथरूम एरिया को छोड़ के सभी जगहों पर उसका अच्छे प्रकार से छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है, घर की दुख परेशानी जो होती है वो दूर होती है, साथ ही साथ नेगेटिविटी दूर होती है, और आपकी मनोकामना पूर्ति भी भगवान बाबा भोलेनाथ जल्दी पूरी करते हैं। तीसरा उपाय जो है वो धन संपदा के लिए है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ कर्ज मुक्ति के लिए भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी कर सकते हैं किसी ने आपसे पैसे लिए हैं, कर्जा लिया है आपसे, उधार लिया है, लेकिन अब वो चुका नहीं रहा है, वो पैसे दे नहीं रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ये उपाय आपको करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, एक कटोरी में आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए, थोड़ा सा का मतलब 2-3 चम्मच शहद ले लेना है आपको, इतना शहद एक कटोरी में लेकर के रखना है। अब इसके साथ ही साथ आपको लेने हैं शमी के पत्ते, कितने शमी के पत्ते, 9 शमी के पत्ते भी आपको लेने हैं, और एक लोटा जल भी ले लेना है। अब जो 9 शमी के पत्ते आपने लिए हुए हैं, जो शहद लिया है आपने, उसी कटोरी में आपको 9 शमी के पत्ते डाल देने हैं और अच्छी प्रकार से उसको डुबा देना है, मतलब शहद जिससे शमी के पत्तों पर के लग जाए। इस तरह से वो शहद वाली कटोरी जिसमें शमी पत्ते हैं और एक लोटा जल लेकर के महादेव के मंदिर आपको चले जाना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और आपको और एक लोटा जल जो आपने लेकर के गए हैं, सबसे पहले आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल समर्पित करना है। ठीक है, किसका नाम लेंगे, अवधूतेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वो जल वहाँ पर समर्पित कर देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। उसके बाद जो 9 शमी के पत्ते हैं, शहद की कटोरी से एक एक शमी का पत्र उठाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। ऊपर मतलब आप कहीं भी चढ़ा दें, चिपका दें उसको शिवलिंग के ऊपर ही, लेकिन उसको आपको चढ़ाना है 9 के 9 शमी के पत्ते शहद वाले। कटोरी में थोड़ा बहुत शहद बच भी जाएगा तो वो शहद आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है बीच का, उस जगह पे उसका लेपन कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी शहद से। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिसने आपसे कर्जा लिया और आपको पैसे नहीं दे रहा है, या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं धन संपदा के लिए, तो अपना नाम और गोत्र बोलें, और हाँ, हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपकी कृपा हो भोले बाबा, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी अपने अकॉर्डिंग से आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हुए हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से संबंधित उपाय हैं, और सारे उपाय बहुत ही आसान हैं। सावन में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।